ओम शांति। आज हम सभी ब्रह्मा कुमारीज को जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। ब्रह्मा कुमारीज एक यूनिक विश्वविद्यालय है। ऐसा विश्वविद्यालय जो दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। जहां स्वयं परमपिता परमात्मा परमधाम से आकर सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाते। आपने विश्वविद्यालय देखे जहां डॉक्टर्स बनाए जाते हैं, इंजीनियर्स बनाए जाते हैं, टीचर्स बनाए जाते हैं। अलग अलग विश्वविद्यालय अपनी अलग अलग विशेषताओं से जाने जाते हैं। जहां एडमिशन लेने के लिए लाइन लगती है, सिलेक्शन होता है। और धन भी बहुत अधिक देना पड़ता है। परंतु ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां ना तो कोई धन देना पड़ता है, एडमिशन सहज मिलता है, कोई भी ले सकता है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं। आप कभी स्कूल में गए हैं या नहीं गए हैं, परंतु आप सभी एडमिशन ले सकते, किसी धर्म के हों, किसी भाषा के हों, किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, सबको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलता है। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कोई दूसरा विषय है भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाना। ये दुनिया श्रेष्ठाचारी थी, सभी प्रेयर करते हैं, ये खुदा अल्लाह ओ गॉड ये ईश्वर हमें बदी की राह से हटा, नेकी की राह पे चला। बदी की राह से हटा, नेकी की राह पे चला। शब्द कुछ भी हो सकते हैं, बोलने का तरीका कुछ भी हो सकता है, सभी के दिल में ये ईश्वर से इच्छा है, उम्मीद है कि वो हमें आकर बुराइयों के रास्ते से हटाकर नेकी के रास्ते पर चलाएगा, बदी से हटाकर श्रेष्ठ रास्ते पर चलाएगा। अब कहने से तो इलाज नहीं होगा ना। हम कहते रहे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, बोलने का तरीका अलग है। हे ईश्वर हमें विषय विकारों से दूर करो, अवगुणों से दूर करो, हमें दिव्य गुणों से संपन्न बनाओ।
ये यूनिक विश्वविद्यालय की बात है, ये यूनिकनेस है। ऐसा कोई पूरे विश्व में ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने की ट्रेनिंग देता हो। किसको बनना है, भ्रष्टाचारी किसको बनना है? पहला पाठ जो दिया, आत्मा को बनना है। श्रेष्ठ आत्मा बनना, आत्मा पतित क्यों हुई, भ्रष्ट क्यों हुई? जो कार्य उससे नहीं करने चाहिए वो क्यों करना शुरू किया? क्योंकि आत्मा में अज्ञानता का अंधेरा आ गया। ज्ञान से भरपूर थी, धीरे धीरे ज्ञान क्षय को प्राप्त होता गया, जिसका स्थान अज्ञानता में। शांति खत्म होती गई, उसका स्थान अशांति ने ले लिया। सुख देना भूलते गए, सुख मिलना बंद होता गया। सबको प्रेम देते थे, प्यार करते थे, प्यार करना बंद कर दिया तो प्यार मिलना बंद हो गया। आनंद का अभाव हो गया, शक्तियों का अभाव हो गया। तभी तो गाना शुरू किया, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। किसको शक्ति चाहिए थी? शरीर को शक्ति चाहिए थी तो ढेर सारी टॉनिक, ढेर सारे खा लेते, जिससे शरीर मोटा तगड़ा ताजा शक्तिशाली हो जाता। पर तो ये शक्ति हम परमात्मा से मांग रहे हैं, ये शक्ति परमात्मा की संतान आत्मा को। शरीर को नहीं, शरीर तो पांच तत्वों से बना है। जिस तत्व की उसमें कमी होने लगे, उस तत्व से उसको संपन्न बनाना है, वो तत्व उसको देना है। तो शरीर को पांच तत्व चाहिए। प्यास लगती है, पानी चाहिए, जिस तत्व की कमी होती है वो चाहिए। सांस लेते हैं, भोजन लेते हैं, एक भोजन से दूसरे भोजन में गैप करते हैं, भोजन से ही अग्नि मिलती है। पांच तत्व चाहिए शरीर को, परंतु आत्मा को कौन सी शक्ति चाहिए? वो परमात्मा से, वो दुनिया की किसी मार्केट में नहीं मिलती, किसी हॉस्पिटल में नहीं मिलती, किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलती। वो परमपिता परमात्मा के ही विद्यालय में परमात्मा के द्वारा ही मिलती। और किसी से नहीं मिल सकती।
संसार के किसी भी मनुष्य के पास आज इन सत्व गुणों का अभाव, ज्ञान का अभाव, प्रेम का अभाव, शांति का अभाव, सुख का अभाव, आनंद का अभाव, शक्ति का अभाव और पवित्रता का अभाव। जिसके कारण सब अपनी उस अभाव को पूरा करने के लिए शॉर्टकट रास्ता, भ्रष्टाचार का रास्ता धारण करते हैं। सीधे तरीके से नहीं मिल रहा है तो टेढ़े तरीके से उसे वसूल किया जाए। उंगली टेढ़ी की जाए, उंगली टेढ़ी करना माना भ्रष्टाचार को अप्लाई कर। तो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी बनना भी किसको है? आत्मा। इसलिए पहली बात परमात्मा समझाते, पावन बनो, आत्मा बनो, आत्म अनुभवी बनो। तुम आत्मा हो ये स्मृति में रखो। यही गीता का ज्ञान था, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब हमें उसे पुनः अपने जीवन में लाना। के लगभग 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपका कोई प्रश्न हो, अवश्य कोई सुझाव हो, अवश्य 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। प्लीज अपना प्रश्न व्हाट्सएप करेंगे। ओम शांति। हम सभी 2 मिनट उस परमात्मा की ध्यान में बैठेंगे।